हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलबुल को ये साबूदाने की खिचड़ी जो है ना एक बार और खानी थी, तो अब बुलबुल के भी जाने का वक्त आ गया है। हाँ जी हाँ, आपने बुलबुल का व्लॉग में देख लिया होगा, बट मैं अपने व्लॉग में भी दे रही हूँ। तो यहाँ पर बुलबुल का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अन्नू का जाने का सबसे बड़ा सदमा जो है ना वो बुलबुल को ही लगा है। तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ही यहाँ पर आके कुकिंग कर देती हूँ। तो मेरे भी हाथ में, जैसे कहते हैं ना कि मोच आ गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो आटा मुझसे नहीं लगाया गया था, तो आटा बुलबुल ने लगा के, रोटियाँ बुलबुल ने डाली थी, सब्जी और दाल जो है वो मैंने बना दी थी। तो साबूदाने की खिचड़ी खाने के बाद शाम का ही टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपने हाथ की आज आलू बैंगन की सब्जी और दाल बना देती हूँ, जो कि सबको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा इस बहाने से मेरे हाथ का एक बार और खा लेंगे, क्योंकि कल है संडे और बुलबुल का भी जाने का टाइम आ गया है। अब दोनों चिड़ियाएँ अपने अपने घर उड़ जाएंगी और हमारा पूरा घर जो है ना वो सूना कर जाएंगी। अच्छा, बुलबुल हमेशा कहती है कि आप ये अपना खाना बहुत जल्दी बना लेते हो, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा ये ना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट मुझे काम करते हुए 20-22 साल हो गए हैं, उससे भी शायद ज़्यादा, तो इतना एक्सपीरियंस है तो कर लेती हूँ मैं काम को, इतना ज़्यादा मुझ पर बोझ नहीं होता। हाँ, थक जाती हूँ अपनी बॉडी को लेके कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम करते करते, इतना नहीं कर सकती, बट लिटरली बुलबुल जो है ना कहती है मेरे से इतना सारा काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा वो कर लेती है। अभी तो खैर उसकी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा काम वाम कर पाए, क्योंकि उसका ना जल्दी से सांस चढ़ जाता है। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पर बच्चों के इस स्पेशल डिमांड पे, तो बैंगन जो है ना मम्मा ने बहुत सारे ले रखे थे। अच्छा, ये थे भुर्ते के बैंगन। अच्छा, जैसे आपको पता है कि मम्मा के यहाँ तो खाना बनाने के लिए आंटी आती हैं, बट उनकी भी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बेहिसाब, इतनी ज़्यादा गर्मी है बस क्या ही बताएं आपको। अब यहाँ पर मेरी जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है ना वो मैंने बढ़िया से छोंक दी है, अभी इसमें गलने में टाइम लगेगा, और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में। जब तक मेरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करते हो आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। बहुत जल्दी जल्दी आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, अपडेट ये देनी थी कि आज फाइनली बुलबुल भी जा रही हैं अपने घर पर, और बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आ रहा है। अभी 12 बज रहे हैं और गुड्डू ने आज सुबह 7 बजे ही फ़ोन करा कि अब भी निकलना है, तो ना तो हम लोगों ने खाना बना पाए हैं, ना हम कुछ कर पाए हैं। ओ लो, आ भी गई वो बुलबुल, तो बस ऐसे जा रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम जा रहे हैं बुलबुल को छोड़ने के लिए, तो चलो बुलबुल को छोड़ते हैं। मेरे लिए तो अब आएंगे नहीं, मिनास बेचारी की तो आँख ही नहीं खुल रही अभी तक, मैं तो बॉम्बिनो भी नहीं बना पाई। चलो जी, बुलबुल जा रही है। नीबू रो रही है, चलो क्या होगी, तो बाबा जी से कुछ चिड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलो मैं ले चल रही हूँ। अरे देना देना, कितना रो रही है ये, कितना रो रही है। आज तो गुड्डू किडनैप करके लेके जा रहे हो ऐसा लग रहा है। हाँ चलो, हाँ जी आगे जाइए, आप जाइए आगे। हाँ जी, अब जा रही हैं। हाँ भैया, अल्लाह में खुशखबरी सुनाए। नहीं ये तो रही गाड़ी, ये हाँ शिफ्ट डिजायर लेकर आए हैं। ना मुझे भी मत दिखा बेटा, बहुत बुरी हालत हो रखी है। अरे नहीं, नहीं तो मुझे फिर से मिलो, फिर से मिलो, आए रहो आए रहो, मिलो गले मिलो इनका इनका देखो। अरे ज़्यादा मत बोल, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, सब क्या है ये, क्या कर दिया मैंने। पूरी रात दी मैंने आपको,
इतना सुबह सुबह थोड़ी ना शाम को था हमारा ना खाना बनाना कुछ। तुम्हें तो पता है हम लेट लतीफ हैं गुड्डू। अच्छा इन्हें पकड़ना सर कोई मुझसे तो मिल लो। आप रो नहीं नहीं जा रहे हैं खालू जी जा रहे हैं। चल बस मम्मा रहने दो अब। चलो बस जब बोलो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं हो तुम्हारी जान कोई खतरे में नहीं। नहीं 2 सेकंड का भी सफर नहीं होता। जाओ पीछे चले इस भारी। ये तो है कि आप खुले खुले बैठ के तो भी जाएगी आराम से बैठ भाई। गुड्डू बड़ी गाड़ी ला रही थी मैडम आ नहीं पा रही है। चलो जी बाय बाय बाय। तो गाइस बुलबुल भी चली गई अपने घर पे और पूरा घर हमारा ना अब सोना सोना सा हो गया। जब बच्चे आते तो कितना अच्छा लगता है और जब चले जाते तो कितना बुरा लगता है ना कि बस क्या बताएं। और बुलबुल अनु तो छोटी है उसके सामने हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है लेकिन बुलबुल के सामने नहीं बन पाती। बुलबुल के सामने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती और बहुत दुख इस बात का है कि कुछ भी खाने के लिए नहीं बना पाए हम लोग। बस नाश्ता ही उसने उल्टा सीधा करा क्योंकि एक तो उसकी सिचुएशन ऐसी थी ऊपर से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि हम कुछ खाना बनाते हैं या कुछ करते हैं। मुझे ये था कि मैं उसको चिकन कौरमा बना के दूँगी रोटी रख दूँगी तो फिर वो खा लेगी वहाँ जाके क्योंकि बिरयानी ना उससे खाई नहीं जा रही थी। तो कहती थी बाजी बिरयानी जिस टाइम बनती है ना बस वही मैं खा लेती थोड़ा बहुत बाकी नहीं खा पाती। और आईब्रोज देखो हमारी कितनी हम दोनों बहनों को आईब्रोज बनाने के लिए भी जाना था लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि आईब्रोज बनाने जाएँ या कुछ करें। चलो अब तो ईद आ रही है फिर देखते हैं। और घर में मैंने सिर्फ अभी झाड़ू पोछा करा था मैं नाश्ता करने ही बैठी थी इतने में गुड्डू आ गए थे। एक मिनट टमाटर आ गए सर। अच्छा जी तो आज अब अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है और ये मेरे चाय बिस्किट हैं जो बहुत टाइम बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो बस मॉर्निंग का अब टाइम हो रहा है दिन है आज संडे का तो बस सब लेज़ी लेज़ी से हो रखे हैं। यहाँ पर मैं और हस्बैंड जो हैं वो अपने पी रहे हैं मॉर्निंग टी और बच्चे जो हैं ना वो मेरे आराम से सो रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के ऐसे चाय पीना और अपने बच्चों को सोते हुए देखना। तो वो बस यहाँ पर सो रहे हैं और आसिफ जी कोई दुआ पढ़ रहे हैं सुबह जगने की। तो अफू जो है ना वो पूरी रात अपनी सीट चेंज करती रहती हैं ऐसी सोती हैं। तो अब बारी आ जाती है दोपहर के लंच बनाने की। तो जब से बुलबुल और अनु गए हैं तो ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था कि प्रॉपर खाना जो होता था ना लंच उन्हीं के लिए मैं बनाती थी। आज बच्चों ने कहा मम्मा मैक्रोनी बना दो तो मैंने कहा चलो ठीक है मैक्रोनी बना देते हैं। तो मैक्रोनी मैं जो है ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ।
ज़्यादा वेजिटेबल्स मेरे पास थे नहीं, तो मैं डालती भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चे सब साइड निकाल देते हैं, तो बस मैं प्याज टमाटर से ही अपनी मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हम दोपहर के लंच में आज थोड़ा सा बस यही करेंगे, क्योंकि ना पूरा दिन हो जाता है और गर्मी इस कदर पड़ रही थी, बस क्या ही बताऊँ ना, बहुत गंदी वाली गर्मी हो रखी, बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह का अब तो करम है कि एसी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन जिनके घर में एसी नहीं है ना, मैं उनके लिए सोचती हूँ कि अल्लाह ताला तो सबको ठंडक दे, सबको अच्छा रख, क्योंकि गर्मी बहुत 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 बेहिसाब हो रखी है। अच्छा यहाँ पर जो है ना, मैं ऊबड़ खाबड़ तरीके से, पता नहीं क्यों कैमरा पकड़ रखा है मैंने और अपना ट्राईपॉड नहीं लगाया था। हाँ ट्राईपॉड जो है ना मम्मा के घर पे था, क्योंकि वहाँ पर बुलबुल वीडियो शूट करती थी, तो वही वहीं था। अभी मैंने मंगवाया नहीं, अभी मंगवाऊंगी। और ये जो है ना, इनको जामुन बोलते हैं, जो कि शुगर में बहुत फ़ायदा करते हैं। तो ये मेरे मामू जी भेजते हैं, जो ज़ेबा के पापा है ना, उनके यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, तो वो हमेशा भिजवाते हैं मम्मी के लिए, मेरे लिए। तो हम पूरा सीज़न जो है ना मामू जी के ही जामुन खाते हैं, मामू जी भिजवा देते हैं तो हम खा लेते हैं। तो ये शुगर में फ़ायदा करते हैं, हालाँकि मुझे इतने ना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि इनसे ना ज़बान का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, एकदम से किसी चीज़ का ना फिर टेस्ट नहीं आता। बट ये है कि हम इतनी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो ये चल जाता है, तो ये मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको नमक, काला नमक और वाइट नमक डाल के ना रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर अपना काम भी करती रहती हूँ और जामुन भी खाती रहती हूँ, तो ऐसे ही ख़त्म भी हो जाते हैं। मेरे को ये रहता है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर बस मैक्रोनी बनेगी और घर इतना खाली लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है अभी लिबू आएगी, अभी आइज़ू आएगी, क्योंकि इन लोगों की ना आदत थी नहा के ना मेरे पास आके सलाम करके जाते थे, तो अभी कोई भी नहीं, अपने ही बच्चे हैं, तो बस अब लगेंगे घर के अंदर, ईद की तैयारियाँ भी करेंगे क्योंकि बकरीद आ रही है। तो यहाँ पर बस हमारी मैगी मैक्रोनी बन के हो जाती है तैयार। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बच्चे खाएंगे इसको मैंगो जूस के साथ, मैंगो शेक के साथ एंजॉय करेंगे, मैं अपनी मैक्रोनी जो है ना अपने साथ एंजॉय करूँगी। और बस गर्मा गर्म मैगी ठंडे ठंडे एसी में साथ बैठ के खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारे साथ। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट आता बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा नेट नहीं चल रहा था। बाय।